ये उन रातों में से एक जिनको अल्लाह ने बनाया ही दुआ के, इसका मकसद ही दुआ हमारे और आपके एक हाथ भर के फासले पे ये रात। इतने लोग जो इस रात से सही मानों में फायदा हासिल करते हैं। मैंने अक्सर एक जुमला कहा इसलिए दोहराते हुए जरा बुरा लग रहा, लेकिन अपनी जगह हाफिज कि इल्म तिब के माहिर को मालूम कि दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जो इतनी खतरनाक हो उसका इलाज ना हो सके। सारा मसला है कि वक्त पे बीमारी को पकड़ा नहीं जाता है, उसकी तशखीस नहीं की जाती, जो बीमार होने वाला है वह तवज्जो नहीं देता है वक्त। चुनाव एक या दो रुपए की टैबलेट से जो बीमारी दूर हो सकती, वक्त पे तवज्जो न देने के नतीजे में कभी हजारों और कभी लाखों खर्च करके इलाज मुमकिन नहीं होता। कहा जाता है बस अब दर्द कम हो जाएगा आपका, लेकिन इसका अब इलाज नहीं। अब फिर एक मंजिल आती है कि वो दर्द कम करने की दवा बेअसर हो जाती है। हम में से अक्सर की यही हालत कि परवरदिगार चंद मखसूस रातें साल में मुकर्रर की कि इसमें तो मुझे अपने बंदों की दुआएं कबूल करना। उन रातों से हम गफलत बढ़ और बाकी 350 रातें रात पूरे साल की जाग के गुजार, वो फायदा कभी हासिल नहीं होगा। जो असल काम की रात, जो असल कुआ की रात, जो असल आदतें पूरी होने की रात, जो असल मुसीबतें दूर होने की रात, वो डेट तो गुजर गई, वक्त के बाद अब गाड़ी तो निकल चुकी। अब आप पूरा दिन स्टेशन पर बैठे रहिए कि 24 घंटे लगाती तो गाड़ी मिल जाएगी, उस वक्त 5 मिनट पहले आ जाते, ट्रेन छूटने से तो आपको गाड़ी मिल जाती। अब आप 10 घंटे भी यहां बैठ जाते तो वो तो जो सवारी थी वो निकल चुकी। अल्लाह ने कुछ खास रातें साल में रखी दुआ कबूल होने, और इन खास रातों में दो रात सबसे अलग बनाई। एक का नाम शबे बदर जो माह रमजान में, और एक का नाम है शबे 15 शाबान जिस माह शाबान में। शाबान के जिसके बारे में ही परवरदिगार ने ये